अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल पास्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को तैयार कर लेंगे। उसको तैयार करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो है चिकन बोनलेस 1 kg, चॉप्ड गार्लिक 2 tablespoons, 2 medium-sized टोमेटोज, रेड चिली फ्लेक्स 1 tablespoon, ब्लैक पेपर 1 tablespoon, क्यूमन सीड पाउडर 1/2 teaspoon, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 medium-sized चॉप्ड अनियन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पैन में तकरीबन 3 tablespoon के करीब ऑयल डालेंगे और उसमें प्याज डाल के तकरीबन 2 मिनट के लिए उसको फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे, फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए और चिकन डाल के इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें तमाम स्पाइसेस डाल के इसको तकरीबन 3 मिनट तक भूनेंगे। तो अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ में 1 glass पानी डाल के पैन को 15 मिनट के लिए लिड से कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे हम वेजिटेबल्स में 2 medium-sized की कैप्सिकम यूज़ कर रहे हैं, 1 medium-sized की कैबेज यूज़ कर रहे हैं, पीस यूज़ कर रहे हैं 1 bowl और साथ में 1 medium-sized का पोटैटो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था, 1 packet यूज़ किया। आप कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हो। चिली गार्लिक सॉस 3 tablespoons, सोया सॉस 1 tablespoon, चिली सॉस 1 tablespoon और 1 to 3 रेड चिलीज। साथ में हम दूसरे पैन में तकरीबन 2 tablespoons के करीब ऑयल डालेंगे, रेड चिलीज डालेंगे, पोटैटो, कैप्सिकम और पीस डाल के इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर कैबेज डालेंगे। मैंने पोटैटो और पीस को पहले ही बॉईल कर लिया था तकरीबन 80% और फिर फ्राई किया। तो देखिए यहाँ पे हमारी वेजेस अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैंने इनको सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई किया, उससे ज़्यादा फ्राई मत करिएगा। तो 15 मिनट के बाद हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको फॉक की मदद से यूज श्रेड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे से श्रेड हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस और लास्ट पे हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे। तो चिकन बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब साथ ही दूसरे पैन में हम बॉइल्ड पास्ता डालेंगे, वेजीज जो हमने फ्राई की थी वो डालेंगे, चिकन डालेंगे और साथ ही इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम ऑन कर देंगे और पैन को तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे लिड से कवर करके छोड़ देना है। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पास्ता। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।